कोविड-19 महामारी के कारण देश ही नहीं दुनिया को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा। इसका मुख्य कारण पर्यावरण का दुरुपयोग बताया गया। लगातार हो रही प्रदूषण और पेड़ों की कटाई के कारण पूरी दुनिया परेशान है। ऐसे में लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उनका संरक्षण करें और शहर को साफ व सुरक्षित रखें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पाल बिजला मार्ग विकास समिति द्वारा पेंटिंग बनाई जा रही है। उस वेल पेंटिंग समिति से जुड़े तमाम परिवार अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से रोका जा सके और ग्रीन और क्लीन शहर किस तरह से बनाया जा सकता है, इसे लेकर एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई गई। आम जनता को हरियाली का संदेश देते हुए सभी ने पर्यावरण संरक्षण की अपील की, जिससे कि सभी इस महामारी से बचने के लिए पेड़ों को सुरक्षित रखें और अपने आप को बचाएं। ये मैंने सनफ्लावर की पेंटिंग बनाई है और इससे मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि लेट्स ट्राई एंड बी पॉजिटिव एंड ब्राइट एंड सनी और सब तरफ पॉजिटिविटी फैलाओ। जैसा अभी नेगेटिव माहौल हो रहा है कोरोना की वजह से, तो बस क्या कहना चाहते हैं कि अभी इस समय में लोग पेड़ को बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और हाँ वो बात तो गलत है ही। अभी हमारे को जब ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत है तो लोगों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अभी पता चल रहा है उन लोगों को जो पेड़ काट रहे हैं, जब इतनी कमी हो गई थी ऑक्सीजन की, इतने लोग मर रहे थे, परेशान थे, तो हमें और पेड़ उगाने चाहिए काटने की बजाय। जैनब, मेरी पेंटिंग एक विलेज सीनरी है जो कि विलेज की नेचुरलिटी पे बेस्ड है, जिस पे मैंने एक लैंड बनाया है एंड उसके सराउंडिंग्स में रिवर है एंड मैंने मेरी पेंटिंग में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज और रिवर के अराउंड मैंने ग्रीनरी बनाई है जो कि हमें बताती है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। एंड मैंने साथ ही साथ यहाँ पे कुछ माउंटेन्स बनाए हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और हमें पेड़ों को उगाना चाहिए क्योंकि मेरी पेंटिंग में मैंने बहुत सारे पेड़ बनाए हैं एंड हमें पानी को बचाना चाहिए। दिशिता टेकसुंदानी, मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो रिप्रेजेंट करती है गर्ल पावर। जैसे गर्ल्स बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, गर्ल्स के पास बहुत सारे कलर्स हैं। मैंने ये रिप्रेजेंट किया दैट गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन प्ले, दे कैन डांस, दे कैन सिंग, दे कैन कुक, दे कैन डू मैनी थिंग्स। माई गुड नेम इज़ आहाना। जैसे पहले लोग पेड़ काटते थे, अब वही पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं कोरोना के समय में। और मैं इससे बताना चाह रहा हूँ कि पेड़ नहीं काटने हैं और अर्थ को साफ रखना है। गुड नेम वैभव रोचानी। तो मैंने मोर बनाया है क्योंकि वो हमारा राष्ट्र पक्षी है और ये पेंटिंग जब मैं जैसे किसी और ऐप किसी गूगल पे देखता था तो मेरे को ये अच्छी लगती थी, तो बहुत अच्छी थी, मतलब अट्रैक्टिव है, ऐसा कलर बहुत ब्राइट होता है। तो मैंने इसको पेपर पे ही बनाया था, तो फिर मैंने सोचा कि मतलब इसको दीवार पे बनाया जाए, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाया जाए ताकि जो हमारे मतलब मोहल्ला है उसमें मतलब अच्छा भी लगे। शौर्य, पेंटिंग का कोई पहले से कोई पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम नहीं था हमारा। जैसा कि हर इंसान, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सभी लोग परेशान थे कोरोना से, तो अपने बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। बच्चों को बाहर निकालने के बाद इन्होंने इतनी जब पेंटिंग एक पेंटिंग हुई उसी से सब एक साथ मिल करके अपना पेंटिंग करने लगे। उससे उनका देखा गया कि उनकी जो भी टेंशन थी, जो कोरोना से सहमे हुए थे, डरे हुए थे बच्चे, वो सब खुश हुए। जैसे कि देखा जाता है ईद हो दिवाली हो एक दिन की आती है और चली जाती है, लेकिन ये अभी हमारा 15वां दिन है। एक पेंटिंग से शुरुआत हुई थी और अभी 16 पेंटिंग बन चुकी है, जिसमें केजी क्लास से लेकर प्रिंसिपल ग्रेड तक के बच्चे, औरतें, सभी जने अच्छी पेंटिंग्स कर रहे हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसको शुरुआत की और लोग बाग जुड़ते गए। किस तरीके की पेंटिंग बनाई जा रही है बच्चों? पेंटिंग्स का जब हमने इसको एक स्टार्टिंग हो ही गई तो इसको हमने नाम दिया है स्मार्ट ग्रीन एंड क्लीन कॉलोनी, और उसके तहत हम अधिकतर यही कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को लेकर की पेड़ पौधे फूल पत्तियां इस तरह का ही करें। वैसे भी हमारा 15 अगस्त को और जब 26 जनवरी को जब भी हमारी कॉलोनी का एक सामूहिक प्रोग्राम हम लोग रखते हैं तो उसमें पेड़ पौधे लगाने के साथ उसमें शपथ ली जाती है कि पेड़ पौधों को लगाने के साथ साथ उनको बड़ा भी किया जाए, पालो। जैसे बच्चों को अपन बड़ा करते हैं उसी तरह से पेड़ पौधों को भी बड़ा करना है, ये शपथ लेकर ही पौधे उनको वितरित किए जाते हैं। मोइन खान, पाल बिजला विकास मार्ग समिति। जय हिंद, आई एम डॉक्टर पी सी जैन। ये बिजला मार्ग जो कॉलोनी है इसका मैं
अध्यक्ष हूँ और हमारे सचिव साहब ने मोटिवेट करा सारे बच्चों को और हमने सोचा कि अपने पैसों से सारी दीवार को सफ़ेद करके और सुंदर बना देंगे और हर बच्चे को एक मौका दिया जा रहा है और मेरे जैसे बुजुर्ग को भी दिया जाएगा, तो मैं भी एक पेंटिंग बनाऊंगा। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।